हाय डार्लिंग, मैं आ गया। तो क्या एहसान किया मुझ पर? बताओ इतनी लेट कैसी हुई? जरूर उस ऑफिस वाले के साथ पिक्चर देखने गए होंगे। क्या डार्लिंग, मैं इतना थका हारा घर पे चला आता हूँ और तुम मुझ पे हमेशा शक करती हो। शादी की पहली रात से तुम मुझे शक की निगाह से देख रही हो। अच्छा, रोज 7 बजे आते हो, आज 10 कैसे बज गए? हाँ, वो क्या हुआ ना डार्लिंग, जब मैं लौट रहा था ना तो बीच में रस्ते में एक आदमी का 1000 का नोट नीचे गिर गया। अच्छा, तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे? नहीं, मैंने उस पे पैर रख दिया और खड़ा हो गया। अच्छा, तो क्या वो नोट तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे पास है। तो जल्दी से लाओ। ये लो, ये 100 का नोट है। तुम्हें 1000 की नोट मिली थी ना, बाकी 900 किधर गए? जाने दो डार्लिंग, क्यों खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो? नहीं, मुझे बताओ, सच सच नहीं बताया ना तो तुम्हें रामलाल के साथ सोना पड़ेगा। रामलाल? ये रामलाल कौन है? अपनी गली का कुत्ता। बताओ 900 रुपए किधर गए? लगता है कब कुछ स्टोरी बनानी पड़ेगी। हाँ डार्लिंग, क्या हुआ, जब मैं वो 1000 का नोट उठा रहा था ना तो मुझे सामने से एक लड़की ने देख लिया, तो मजबूरन मुझे उसे फिल्म दिखानी पड़ी। और ज्यादा महंगा नहीं, एकदम सस्ते से होटल में ना मैंने उसको खाना भी खिलाया। अभी वो अकेली औरत इतनी रात को घर पे अकेली कैसे जाएगी, तो मैंने उसको ना घर तक लिफ्ट भी दे दी। और तुम्हें तो मालूम है अपना स्प्लेंडर थोड़ा सा माइलेज अभी कम देने लगा है। स्प्लेंडर के बारे में कुछ मत बोलना, मेरे पापा की गिफ्ट है। हाँ, तो मैं तो उसकी तारीफ ही कर रहा था ना, अपना अच्छा सा स्प्लेंडर, मगर उसका माइलेज थोड़ा कम हो गया ना, तो पेट्रोल में भी तो थोड़े पैसे गए ना। हाँ, इसलिए पैसे खर्च हुए। तो बाकी का हिसाब? जाने दो ना डार्लिंग, इतना सब करने के बाद भी मैंने तुम्हारे लिए 100 का नोट बचा के रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें पानी पूरी बहुत पसंद है ना। ये लो तुम्हारा नोट। जानू, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मैं बिना वजह तुम पे शक कर रही थी। देखा कैसे उल्लू बनाया।